प्रदेश में इन दिनों उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव चल रहा है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों के द्वारा लगातार कार्यक्रम कर वोटरों को रिझाने का काम किया जा रहा है। इसी क्रम में आज जमानिया विधानसभा के भदौरा में मुजफ्फरनगर के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बलियान त्रिदेव सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुँचे। इस दौरान उन्होंने निस्वार्थ भाव से कार्य करने वाले कार्यकर्ता किसी भी अन्य राजनीतिक दल के पास नहीं है, जो ठीका पट्टा लाइसेंस और पैरवी के लिए काम करते हों या तो राष्ट्र निर्माण और सेवा के लिए काम करते हैं। यह बात भाजपा नेता और मुजफ्फरनगर के तेज तर्रार सांसद संजीव बालियान ने आज जमानिया विधानसभा के भदौरा में त्रिदेव सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा। इसके अलावा उन्होंने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। गाजीपुर और गाजीपुर में भी जमानिया और मुझे पता लगा है कि हमारी जो प्रत्याशी है वो शायद सबसे बड़ा गांव है, जो मेरे अध्यक्ष और महामंत्री ने मुझे बताया, और सैनिक भी बहुत है, तो वीरों की भूमि से है। देखिए 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी का कोई माहौल नहीं था उत्तर प्रदेश में। 2014 में मोदी जी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित होने के बाद पहली बार जो चुनाव हुआ उसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश से शुरुआत हुआ। 2014, फिर 17 और फिर 19, और ये चौथा चुनाव है लगातार जब चुनाव की शुरुआत पश्चिम उत्तर प्रदेश से होने जा रही है। और आप सब किसान हैं, ज्यादातर लोग यहां मैं समझ रहा हूं किसान परिवारों से, और हमारे यहां पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक बात कही जा कि पश्चिम की हवा पछवा कहते हैं, पछवा हवा, कि पछवा हवा फसलों के लिए बहुत लाभदायक हो। जब यह पछवा हवा चले पश्चिम की तो कीड़े मकोड़े मर जा खेत में से, जो कीड़े मकोड़े हानिकारक, तो पछवा हवा चलती है इस बार भी। ये जो समाजवादी पार्टी और दूसरी पार्टी के कीड़े मकोड़े हैं इनको पछवा हवा समाप्त करते हुए पूरब की तरफ चल रही है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी उम्मीद रही। जब जब पश्चिम से शुरुआत हुई है चुनाव की, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव जीतती है, और इस बार अजीब सी बात कही जा रही है। मैं कल बात कर रहा था अपने सभी साथियों के साथ, ऐसा संभव नहीं कम से कम 65% सीट पश्चिम उत्तर प्रदेश से जीत का होंगे। अगर पश्चिम से ना जीत का है तो राजनीति छोड़ दें, राजनीति नहीं करने के। पश्चिम से भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीत का आ रही है। और सच बताऊं 2014 से जब से गाजीपुर को जानने लगा, मनोज सिन्हा जी बड़े भाई की तरह रहे, हम दोनों साथ मंत्री थे 2014 में, और बड़ा लगाव बड़ा स्नेह था उनसे। वो रेल राज्य मंत्री थे, मैं कृषि राज्य मंत्री था। इस पूरे क्षेत्र के प्रति, गाजीपुर के प्रति जो उनका स्नेह जो लगाव, और यह एक विकास के प्रति जो उनकी सोच थी, शादी कोई महीना दो महीना ना जाता हो, जब मनोज सिन्हा जी फोन करके कहते हो संजीव भाई ये काम है गाजीपुर का, गाजीपुर के लिए जरूरी। मैंने अपने क्षेत्र को इतना प्यार करने वाला, इतना मेहनत करने वाला मैंने कोई दूसरा सांसद देखा जैसे मनोज सिन्हा आपके बीच। और जो काम वाकई उन्होंने किया 14 से 19 के बीच में, जब उनका चुनाव था तो चुनाव के बाद वे बड़ा कॉन्फिडेंट थे। चुनाव से पहले जब हम आखिर में मिले, शायद दिसंबर की बात थी 2019 की, तो मैंने बातचीत हुई, मैंने कहा बड़े भाई कैसा रहेगा चुनाव, तो उन्होंने कहा जाति समीकरण तो खिलाफ है। मैंने कहा वो तो मेरे भी खिलाफ है, लेकिन यार मुझे गाजीपुर की जनता पर भरोसा है, मैंने बहुत काम किया, गाजीपुर की जनता मुझे आशीर्वाद दे। जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आया उससे अगले दिन जब आखिरी दिन वो मंत्रालय में थे, मैं उनसे मिलकर मिलने गया, मुझे अगर पूरे देश में किसी की हार का दुख हुआ तो वाकई मनोज सिन्हा जी की हार का मुझे दिल से दुख हुआ। वहीं आज के इस कार्यक्रम को लेकर भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुनीता सिंह ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। सभी हमारे बूथ तरह के कार्यकर्ता आए, त्रिदेव आए, सभी को मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। इस तरह का त्रिदेव कार्यक्रम देने का मतलब उद्देश्य क्या रहा? अरे जो लड़ाई लड़नी है ऊपर से कितना भी हो जाए, हमारे लड़ने वाले लाइन वर्कर वही है, तो उनका सम्मेलन करना तो बनता ही है, और उनको हम लोग रिचार्ज तो नहीं है, उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं और वो घर 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 जन जन तक जाएंगे। ऐसे में लगातार आप लोग जनसंपर्क कर रही हैं, घर 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 जा रही हैं, क्या लगता है इस बार क्या उम्मीद है भाजपा कितने के पार? सुनामी लाने की तैयारी है, भाजपा 300 पार
और जो पश्चिम से अभी बताए हमारे मुख्य अतिथि ने कि जो पश्चिम से हवा चली है पछुआ, वो यहाँ आते आते सुनामी बनने वाली है। हम लोग गाजीपुर के 7 सीट जीत के जा रहे हैं। अभी मंच से आप बोलते हुए कह रहे थे कि बहुजन के जो प्रत्याशी हैं वो मुस्लिम और हरिजन जोड़ के और जीत का दावा कर रहे हैं, क्या लगता है आपको, इसका डर सता रहा है? समीकरण सबका फेल है, सबको राजनीति में बहुत है, जात बिरादरी का राजनीति किए और समीकरण बना के, लेकिन समीकरण सबका फेल है। जो हमारे शीर्ष नेतृत्व मोदी जी और योगी जी ने जो ये पूरे भारत को और उत्तर प्रदेश को अपना परिवार बनाया है, तो समीकरण सबका फेल है, दावा करने से कुछ नहीं होता।